जरा संभल के। ध्यान से, अगर उन्हें जरा भी भनक पड़ी तो वो भाग निकलेंगे और हमें खबर तक नहीं छोड़ेंगे। चामुंडाय विच्छे ओम हेम हेम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्छे ओम 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 हेम क्लीम क्लीम चामुंडाय चामुंडाय विच्छे ओ गॉड, ये क्या पागलपन है? अबे शॉट, बच्ची तो बेहोश हो गई। इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाओ। कभी सोचा भी है कि उन नन्ही जानों पर क्या बीती होगी? 15 साल से गोपीनाथ और मैं एक बच्ची के लिए तरस रहे। बड़ी मुश्किल से हमें एक उम्मीद की किरण नजर आई, लेकिन तुम लोग तो समझते नहीं हो ना, हमारी अपनी संतान के लिए इस बच्ची का बलिदान देना जरूरी है। क्या? तो अब तक कितने बच्चों की बलि चढ़ा चुके तुम लोग? और वो बच्चे जिनके कंकाल तुम्हारे भूत बंगले में पाए गए थे, उनकी बलि भी तुमने ही दी थी। उन सब के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। ये बलिदान हमारा पहला था, लेकिन तुम नास्तिक कुछ नहीं समझोगे, कभी नहीं समझोगे। अभी तो पता चल गया है कि उन सब बच्चों को किसने मारा था और क्यों मारा था। ये औरत झूठ बोल रही है। नहीं, अभी ये सच बोल रही है। इसे शायद नहीं पता कि इन बलियों के पीछे कौन था और क्यों था। लगता है गोपीनाथ किसी ऐसे समुदाय या धार्मिक पंथ का सदस्य था जो लोगों में अंधविश्वास फैलाने के लिए बच्चों की बलि चढ़ाते हैं। और हमें गोपीनाथ के घर जाना होगा ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। क्या हो सकता है इस रूम में? अभी पता चल जाएगा। ये सब क्या है? पता नहीं किस शैतान की पूजा करते थे ये लोग। ये कैसा धर्म है जो भगवान के नाम पर या किसी देवी शक्ति के नाम पर छोटे छोटे बच्चों का कत्ल करते हैं? मुझे लगता है एकांश ये किसी धर्म नहीं, शायद कोई ऐसा पंथ है जो कि मूर्ति नहीं इन सब की पूजा करता। हाँ भी बोलो, दैट्स गुड न्यूज़। ठीक है, क्या हुआ? किसका फोन था? रिमी को होश आ गया और उसके माँ बाप उसे घर ले गए। कितना खेलोगे, थके नहीं? ये लो, सेब खाओ। लीजिए, देखिए, ये सोचिए कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। एक ना एक दिन तो गोपीनाथ और नीना पकड़े ही जाते ना। अरे बात नहीं थी, तुम ये सोचो ये सब में हमारा क्या प्लान था? हमारा तो अभी कोई चिराग नहीं। शायद
शायद हमारी किस्मत में यही लिखा होगा। मुझे तो बस ये सोचकर खुशी है कि वो छोटी सी बच्ची बच गई। किस्मत, किस्मत के भरोसे बैठे हो तुम, पर मैं चुप नहीं बैठने वाला। मैं तो अब भी मैं गोपीनाथ के बताए हुए रास्ते पर ही चलूंगा। आपका मतलब? हाँ बाती, चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर को वारिस चाहिए वारिस, और वो मिलकर ही रहेगा। और अगर तुमने इस मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो देख लेना। ये लोग एसटीएफ से हैं, इन्हीं लोगों ने हमारी बेटी की जान बचाई है। नमस्ते। रिमी हमारी इकलौती बेटी है, आप लोगों का एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एहसान मत कहिए प्लीज, ये तो हमारा फर्ज था। एक्सक्यूज मी। हाँ गरी बोलो। ठीक है, तो उन सभी लापता बच्चों की फोटोग्राफ उन स्केचेस के साथ मैच करो जो फोरेंसिक में बनाए गए थे। ओके। मिसेस नंदा, आप लोग हमें बता सकते हैं कि रिमी किडनैप कब हुई? करीब 2 हफ्ता पहले वो स्कूल से लौटकर पास वाले पार्क में खेल रही थी। जब वो काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो फिर हम उसे ढूंढने के लिए पार्क में गए, पर वो वहाँ नहीं थी। और वहाँ खड़े लोगों ने बताया कि वो अचानक से गायब हो गई है। लेकिन उस दिन पार्क में क्या रिमी के किसी दोस्त ने किडनैपर को देखा था? जी नहीं। हमें रिमी से कुछ पूछताछ करनी होगी, क्या हम उसे मिल सकते हैं? ठीक है, मैं उससे ले आती हूँ। हाँ गैरी बोलो। अच्छा ठीक है, मैं सीधा यहाँ से फॉरेंसिक आता हूँ। क्या हुआ अभी? गैरी कह रही थी कि पूरे स्टेट में जिन बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट्स फाइल की गई हैं उनमें से 15 बच्चों की फोटोग्राफ्स फॉरेंसिक में मैंने स्केचेस के साथ मैच हो गई। तो इसका मतलब ये सब सिर्फ एक दो बच्चों की बात नहीं है? नहीं, एक बहुत बड़ा रैकेट है जहाँ बच्चों को पहले किडनैप किया जाता है फिर उनका खून कर दिया जाता है। बहुत कमजोर पड़ गई है। हेलो रिमी बेटा, अब कैसी तबीयत है आपकी? जब आप पार्क में खेल रहे थे तो आपको कोई उठा ले गया था, आपको कुछ याद है? वो जो अंकल आंटी थे उनका बिहेवियर आपके लिए कैसा था? रिमी माफ कीजिएगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसे आराम की जरूरत है। डॉक्टर ने हमें बताया कि वो लोग इसे नशीली दवाई दिया करते थे ताकि इसे होश ना रहे, शायद इसलिए। मिस्टर नंदा, तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं, आपने हमारी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, अभी तुमने उस बच्चे के गले पे निशान देखा? जरूर उन्हीं लोगों ने बनाया होगा, वो लोग बच्चे किडनैप करके उन लोगों को सप्लाई करते हैं जिनके खुद के कोई बच्चे नहीं होते। हमें सारे के सारे फर्टिलिटी क्लिनिक्स चेक करने चाहिए। पर क्यों? क्योंकि जिन लोगों के बच्चे नहीं होते वो अक्सर ऐसी लगा बजाते हैं। क्या बात है, अचानक बहुत खुश नजर आ रहे। वासंती खुश नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं कि हम दोनों माँ बाप बन जाएंगे। सच? क्या कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया है क्या? डॉक्टर भूल जाओ। अरे मेरे नाक के नीचे लॉटरी पड़ी हुई थी और मैं उसे देख नहीं सकता था। कहा? कौन? आओ। ये देखो, अब तक हमारी आंखों के सामने ही था। अरे हमारी आंखों के सामने था और हमें नजर तक नहीं आया। जामिनी, वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हे भगवान, हो क्या गया है आपको? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। जामिनी हमारी जेठ जी और भाभी जी की बेटी,
मरने के बाद हमने अपनी बेटी की तरह पाला है इसे। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि हतो, अगर एक अनाथ का बलिदान देकर हमें अपनी संतान मिल सकती है तो इसमें हर्ची क्या है? इन जामिनी हमारी बेटी जैसी है। बेटी जैसी है, बेटी तो नहीं ना। और एक बात कान खोल कर सुन लो वासंती, अगर इस मामले में तुमने जरा से भी रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक देकर दूसरी शादी कर लूंगा। दूसरी शादी? क्यों रही है कि बोलो ना काकी माँ, आप क्यों रो रही है? तो कुछ पता नहीं चला और अभी आखिरी क्लिनिक देते हैं। अभी एक्सक्यूज मी, आप वही है ना जो उस दिन गोपीनाथ के घर आए थे? जी जी। तो आप बता सकते हैं कि आप इस क्लिनिक में क्या कर रहे थे? नहीं, वो बात ये है कि मेरी बीवी माँ नहीं बन सकती और मेरी बीवी के इलाज के सिलसिले में आया था, पर ये लोग मेरी मदद करने से साफ इनकार कर रहे हैं। ठीक है, आप जाइए। स्पेशल टास्क फोर्स। यस सर, मैं आ गई हूँ। आपके बॉस किधर है? जी बोली। मिस्टर सब्रवाल, इससे पहले कि मैं आपसे कोई बात पूछूं, आप पूरी तरह से फैसला कर लीजिए कि हम जो भी सवाल आपसे पूछेंगे आप उसका सही सही जवाब देंगे। पर हुआ क्या, बात तो बताइए। बात यह है कि हमें यह खबर मिली है कि आपके क्लिनिक में लोगों को गुमराह किया जाता है, अंधविश्वासों का जाल बिछाकर उनसे बच्चों की बरी दिलवाई जाती है। माफ कीजिए, आपको कोई गलत नहीं है। हमारी क्लिनिक में एक से एक नामी डॉक्टर है और मैं ये सोच भी नहीं सकता कि उनमें से कोई ऐसी अंधविश्वास की बात करे। क्या पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपके स्टाफ में से कोई भी इस केस के साथ इन्वॉल्व नहीं है? ये मैं नहीं जानता, पर हाँ, अगर किसी के भी खिलाफ मुझे कोई भी सबूत मिलता है तो मैं खुद उस आदमी को आपके हवाले कर दूंगा। ऐसे अपराधी को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसकी फिक्र आप मत करिए, वो दारमदार हम पर है। ऐसे अपराधी को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहेंगे। पता नहीं है, एसटीएफ हमारे पीछे लगी है। तुम सब ओल्ड गोडाउन पर मिलो अभी इसी वक्त। मुझे लगता है उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे किसी भी कीमत पर उनका जवाब चाहिए, आज इसी वक्त। अभी डिपार्टमेंट का हेड मालूम होता है, ग्रे कलर की बैमी 3122। ठीक है, हम लोग उनका पीछा करते हैं, तुम वहां से निकलो जल्दी। रिसेप्शन से लेकर बॉस तक सभी आदमी के भक्त हैं। पता तो चले ये करने के हवाले हैं। नमस्कार। ऐसा करो एकांश कैरी, तुम अंदर जाकर इन पर नजर रखो। आप सभी भक्तों के लिए गुरुजी की ओर से एक संदेशा लाया हूं। हमारे गुरुजी ने हम सबके लिए एक चेतावनी भेजी है। वो चाहते हैं कि अगले कुछ वक्त तक हमारे सारे भक्त कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे दुनिया को हम पर शक हो। हमें हमारी सोच दुनिया भर में फैलानी है। तो बोलो साथियों, क्या आप सब गुरुजी के साथ हैं? जय हो, जय हो, जय हो,
इन बेवकूफों को ना किसी गुरुजी की नहीं बल्कि पागलों के डॉक्टर की जरूरत है। इडियट्स। ये हो क्या गया इन सब लोगों को? पढ़े हुए लोग खुद भी ऐसी बकवास में विश्वास कर रहे हैं। लगता है वो आदमी इनके दिमाग पे हावी हो गया है। अब तुम्हारे पास प्रूफ भी है इन लोगों के खिलाफ, क्यों ना पूरी की पूरी भीड़ को यहीं गिरफ्तार कर लें। ये क्या था?